घर वापसी की आस लगाए मजदूरों का सब्र अब जवाब देने लगा है। दिल्ली से मुंबई तक आज फिर मजदूरों की भीड़ जुटी है। मुंबई के दहिसर नाका में इस वक्त भारी तादाद में मजदूर इकट्ठा हुए हैं। दहिसर से आज श्रमिक ट्रेनों से मजदूरों को वापस भेजा जाना है, लेकिन स्टेशन पर ऐसे मजदूर भी जमा हो गए हैं जिनके लिए अभी तक जाने का कोई इंतजाम नहीं है, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। दिल्ली के लाजपत नगर द्वारका से भी मजदूरों की भीड़ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इकट्ठा हुई है। तो मुंबई के दहिसर नाका की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। ये चाहते हैं इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो वहीं लाजपत नगर दिल्ली की भी ये तस्वीर आप देखें, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितनी बड़ी संख्या में मजदूर पहुंच गए हैं। अब इन दोनों राज्यों की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो वाकई में इन मजदूरों के लिए सब कुछ कर रही है जिसका दावा ये राज्य सरकारें करती है। बार बार ये कहा जाता है कि इनके लिए सभी सुविधाएं हैं, शेल्टर होम है, पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, इसके बावजूद अच्छा अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है, लोग धीरे धीरे अपने कामकाज में वापस से जाने लगे हैं, उसके बावजूद ये मजदूर अगर पलायन करना चाहते हैं तो क्या ये इन राज्य सरकारों के लिए भी बड़ी नाकामी नहीं है? दहिसर और लाजपत नगर यानी महाराष्ट्र और दिल्ली से ये दो तस्वीरें देखें, मुंबई के दहिसर नाका पे किस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर आकर इकट्ठे हो गए। अब बार बार ये कहा जाता है कि दो गज की दूरी है जरूरी, लेकिन क्या इन मजदूरों के बीच में आप कोई भी दूरी का नामो निशान देख पा रहे हैं? हाँ, ये जरूर है लोगों ने अपने नाक पर अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ है, लेकिन क्या वाकई इतना काफी है? दहिसर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मुंबई में पिछले तीन दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है जब मजदूर ट्रेन चलने की खबर आने पर इकट्ठा हो जाते हैं। ट्रेन चलती भी है लेकिन मजदूर बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं। आज दहिसर नाका में यही हुआ, बिना रजिस्ट्रेशन वाले मजदूरों की ये भारी भीड़ जुट गई। ये सब ट्रेन के जरिए अपने अपने घरों की तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन कई मजदूर तो ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। अब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो इन ट्रेनों से सफर कैसे करेंगे? हमने आपको कांदीवली पालघर की तस्वीर दिखाई थी और अब आज मुंबई के दहिसर की नाका की ये तस्वीर देखिए, मजदूरों की भारी भीड़ जुटी हुई है। मुंबई की तस्वीर देखिए आपने, अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में आज भी मजदूरों की भारी भीड़ दिखाई थी। लाजपत नगर में मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे। भीड़ को देखते हुए आज यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवा रही है। इनमें से अधिकतर मजदूर बिहार जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश जाने वाले मजदूरों की संख्या सबसे बड़ी है। आप देख रहे हैं बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, ये तमाम बिहार के वो जिले हैं जहां पर जाने के लिए मजदूर कतारों में खड़े हैं। आप सभी को मैसेज किया जाता है कि ट्रेन पूर्णिया जाएगी जिसके स्टेशन बेतिया, मुतिहारी, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, नौगंजिया, कटिहार और पूर्णिया, इसके अलावा कोई भी सज्जन लाइन में खड़े हुए हैं तो अपना समय यहाँ व्यर्थ ना करें, इसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे चार मेडिकल टीम लगा रखी है और चार बेचेज में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सबकी स्क्रीनिंग हो और जल्दी से ये जो पूरी ट्रेन है इसमें कोई सीट खाली न जाए। एक ट्रेन में हमें 1400 के आसपास टिकट्स मिलती है तो हम उसको पूरा कंप्लीट करके देखें। यहाँ से स्क्रीनिंग करके जो DTC की बसें हैं उसमें लोड करके इनको जो है यहाँ उन्हें बिठा के रेलवे स्टेशन ले जाया जाएगा। रेलवे स्टेशन से उनको अपने अच्छा, इनको कुल मिला के अगर देखा जाए लगभग 1000 के आसपास यहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो कि बिहार से हैं और बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट को भेजा गया है। मेनली बिहार की ट्रेन में।
लाजपत नगर के अलावा दिल्ली के द्वारका बस डिपो के बाहर भी मजदूरों की भीड़ जुटी है। पिछले तीन दिनों से प्रवासी मजदूर सड़क पर मदद के इंतजार में बैठे हैं। फुटपाथ पर ही इनका रैन बसेरा है। घर जाने के इंतजार में ये प्रवासी मजदूर सड़क किनारे सोने के लिए मजबूर है। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान ही दिल्ली में फंसे हुए हैं। जब श्रमिक ट्रेन की सेवा शुरू हुई तब इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल पाया था। अब इनको बस डिपो आने का मैसेज मिला तब से ये यहाँ भटकने लगे हैं। मैं उत्तम नगर में रहता था, यहाँ का सरकार का कोई व्यवस्था नहीं। दो महीने हो गए, ढाई महीने, आज तक हमें एक चावल का दाना मिला और ना ही कुछ खाने को। यहाँ पे कितना देर से बैठे थे आप? यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। रोज रात के यहीं पे रहते हैं और सुबह में लाइन में लग जाते हैं। यहाँ से तो मैं 3 दिन से बैठा हूँ। 3 दिन से जी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं सरकार की। सर दिक्कत ये है कि मैं गार्ड की नौकरी कर रहा था, माली का कॉन्ट्रैक्ट फट गया, निकाल दिया वहाँ पे। अब दिक्कत ये है कि हमें गांव भी जाना है, यहाँ भी देखना है, अभी काम नहीं मिल रहा सर। मजदूरों की घर वापसी पर बिहार